हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कृष्णा पांचाल रसोई में। और आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन और गट्ठे की सब्जी। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। तो यहाँ मैंने 4 बैंगन ले लिए हैं जिन्हें मैंने वॉश करके रखा है, और 1 कटोरी मैंने बेसन ले लिया है। तो फ्रेंड्स, ये सब्जी हम 2 व्यक्तियों के लिए बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बड़ा बॉल ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे बेसन। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, एक टीस्पून मैंने इसमें डाला है अदरक और लहसुन का पेस्ट। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच धनिया पाउडर। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच जितना काली मिर्च का पाउडर। तो काली मिर्च को मैंने दरदरा पीस लिया है। और अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेंगे। और इसमें हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच तेल। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1/2 कटोरी हरा धनिया बारीक कटा हुआ। तो धनिए को आप डंठल सहित काटिए, तो इसमें जो डंठल आती है उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो पहले आप इसे सूखा ही मिक्स कर लें और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक टाइट डो हम तैयार करेंगे। तो इसमें बहुत कम पानी लगेगा, तो आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए और थोड़ा सा हम इसे ऊपर से ऑयल डालेंगे और अच्छे से इसे मसल लेंगे आटे को। तो ये देखिए, गट्टे बनाने के लिए हमारा ये जो आटा है वो तैयार हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स, ये राजस्थान की रेसिपी है, राजस्थान की ट्रेडिशनल रेसिपी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और इस तरह से हम छोटे छोटे गट्टे बना लेंगे। तो गट्टे आप छोटे ही बनाइए ताकि वो फ्राई करने में इजी रहेंगे और अंदर तक वो पकेंगे। तो इसमें फ्रेंड्स आप धनिया ज़रूर डालिए, और जितना ज़्यादा आप धनिया डालेंगे उतने ही गट्टे हमारे सॉफ्ट बनेंगे। तो ये देखिए, सारे गट्टे हमारे बनके तैयार हो गए। और अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ कढ़ाई ले ली है और 1/2 कटोरी जितना तेल हम इसमें डालेंगे फ्राई करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा तेल भी हमें नहीं डालना है इसमें। और तेल हमारा गर्म हो गया है और गैस की फ्लेम हम अब धीमी कर लेंगे और सारे गट्टे हम इसमें डाल लेंगे। और इन गट्टों को हमें बिल्कुल धीमी आंच पे फ्राई करना है ताकि अंदर तक जो गट्टे हैं वो अच्छे से पक जाएं। और बीच बीच में हम इसे इस तरह से चलाते रहेंगे और पलटते रहेंगे ताकि चारों ओर से गट्टे अच्छे से फ्राई हो जाएं। तो ये देखिए, इसका कलर भी चेंज हो गया है और गोल्डन होने तक हमें इसे फ्राई करना है। तो ये फ्राई हो चुके हैं हमारे गट्टे और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितने क्रिस्पी और अंदर से उतने सॉफ्ट हैं गट्टे। तो ये फ्रेंड्स हमारे गट्टे फ्राई हो गए हैं और अब हम सब्जी बनाने की तैयारी करते हैं। तो ये जो बैंगन है उनको मैंने पहले से वॉश करके रखा है, तो आप काटने के बाद कभी वॉश ना करिए, या तो फिर आप तुरंत ही बैंगन काट के कढ़ाई में डाल लेंगे तो ज़्यादा अच्छी सब्जी बनेगी। तो मैं ये तुरंत ही काट के इसकी सब्जी बना रही हूँ। तो आप चाहें तो बड़ी साइज़ में भी इसे काट सकते हैं, मैंने मीडियम साइज़ में इसे कट कर लिया है। और
यहाँ मैंने कढ़ाई रख ली है और इसमें मैंने डाल लिया है 1 टेबल स्पून जितना ऑयल, ज़्यादा ऑयल नहीं लगता है इसमें। और इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, 1 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, और इसे थोड़ा सा मिला लेंगे हम। और इसमें अब हम सूखे मसाले ऐड कर लेते हैं, तो 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, और स्वाद अनुसार हम इसमें नमक ऐड करेंगे, और 1/4 चम्मच इसमें हम हींग डालेंगे। अब थोड़ा सा पानी डाल के हम मसाले को थोड़ा पका लेंगे। इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे, सारी चीज़ों को मिला लेंगे, और धीमी आंच पर हम थोड़ा मसाले को 1 मिनट के लिए पकने देंगे। और अब हम ऐड कर देंगे बैंगन कटे हुए, तो अभी मीडियम फ्लेम पे आप बैंगन को 1 मिनट के करीब भून लीजिए। ये देखिए बहुत अच्छे से मसाले और बैंगन अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो 1 मिनट भूनने के बाद हम इसे कवर कर लेंगे, तो इसे हम 2 मिनट के करीब पकने देंगे। तो ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं और बैंगन हमारे पूरी तरह से नहीं पके हैं, मतलब आधे पके हैं, और जब आधे पक जाए बैंगन तब हम इसमें गट्टे ऐड करेंगे। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, गट्टे ऐड कर लेंगे जो हमने बेसन के बना के रखे हैं, और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। तो एकदम हल्के हाथों से हम इसे मिक्स करेंगे। तो 1 मिनट आप गट्टों को भी मसाले के साथ भून लीजिए। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, तो 1/2 ग्लास से भी कम आप इसमें पानी ऐड कर लीजिए, और फिर आप इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अब हम इन गट्टों को पकाने के लिए भी इसे कवर कर लेंगे, और 2 से 3 मिनट अब हम और इसे पकने देंगे। तो ये देखिए 3 मिनट हो चुके हैं और ये हमारी बेसन और गट्टे की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। और ये देखिए गट्टे हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, और अब हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। तो खूब सारा आप हरा धनिया डालिए इस पर। तो फ्रेंड्स, गट्टे और बैंगन और गट्टे की सब्जी हमारी बनकर तैयार है। आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।